जय माता दी। आज आपको दर्शन कराएंगे थावे माँ की। बहुत ही फेमस दुर्गा माता का यह मंदिर है, और मैं पहले ही बता दूं कि ये कहाँ है और कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले थावे बिहार के गोपालगंज जिला है, वहाँ पे गोपालगंज नामक एक शहर है जो वहाँ का मुख्यालय है। वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर थावे जगह है, वहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। थावे जाने के लिए अलग अलग रूट है, किसी भी रूट से आप थावे पहुँच किसी भी रूट से पटना, सिवान, गोपालगंज, कहीं से भी थावे बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये थावे के आसपास का मंदिर है, और यहाँ पे 2 अलग अलग गेट हैं, दोनों में से किसी भी गेट से आप जा सकते हो। ये मंदिर का एग्ज़िट गेट है, एंट्री नहीं है, बट जब भीड़ कम होती है तो लोग यहाँ से भी जाते हैं अंदर। अब ये हम लोग मंदिर मेन मंदिर में हैं, यही वो मंदिर है जहाँ थावे माँ की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पे पहले, अभी तो नहीं है, पहले एक बिजली से चलने वाली ड्रम थी जिससे मैं ढोलक बजता था। ये मेन दरवाज़ा है जो आप सामने देख रहे हैं, मेन एंट्रेंस है, और ये मेन मंदिर है जहाँ माता दुर्गा की मूर्ति है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो मूर्ति का तो मैंने फ़ोटो नहीं लिया, बट ये मंदिर आप आराम से देख सकते हैं। चारों तरफ अलग अलग छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनी हैं, लोग परिक्रमा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। अब थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में आपको बता दूँ, गोपालगंज में है, थावे नामक जगह पर है। इनको थावे वाली माई या रहसु भवानी भी कहा जाता है। सवाल है कि रहसु भवानी क्यों कहा जाता है। ये मंदिर हो गया, मंदिर से अब हम लोग जा रहे हैं जिनके बारे में कहानी है। रहसु भगत कहा जाता है कि रहसु भगत माता भवानी के बहुत बड़े भक्त थे, जिनके कारण जब अकाल पड़ा था गोपालगंज या थावे में, तो उस अकाल में इनके कारण बहुत सारे लोगों को अनाज खाने को मिलता था। तो हम लोग रहसु भगत की तरफ जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा उधर जाके आपको देखने में, क्योंकि काफ़ी हरियाली है और बिल्कुल गांव घर जैसा, ना एक अलग फीलिंग आएगी, एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो कहानी है कि ये थावे, यहाँ पे हथुआ के राजा मनन सिंह रहते थे। हथुआ के राजा मनन सिंह थे, और मनन सिंह उस टाइम में या इस का भयंकर अकाल पड़ा था, और ये जो मनन सिंह थे ये अपने आप को माता भवानी का बहुत बड़ा भक्त मानते थे, बहुत बड़ा भक्त मानते थे। जब अकाल पड़ा उस समय कामाख्या माँ का भक्त रहसु भी उन्हीं के राजपाट के अंदर रहता था, मतलब उन्हीं के एरिया में रहते थे। और ये रहसु जो थे वो माता के तो परम भक्त थे ही, ये क्या करते थे, जिस दौरान अकाल पड़ा खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मार्केट है। जब आप यहाँ पे जब दुर्गा मंदिर से रहसु भगत की तरफ जाएंगे तो इस तरह से आप मार्केट होके जाएंगे। तो अकाल जब पड़ा तो खाने के लिए बिल्कुल ही नहीं था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे। उस दौरान रहसु भगत, अभी सबसे पहले आपको रहसु भगत का तस्वीर दिखाते हैं। ये दुकान है उसके आगे जहाँ से पूजा के, मैंने ये वीडियो एक्चुअली मंगवाया है आपके लिए, थोड़ी सी प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं है बट तब भी अच्छे से दिखेगा। ये रहसु भगत का मंदिर है जो अभी बन ही रहा है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, छत हो चुका है बट अभी फिनिशिंग का काम नहीं हुआ है। इस तरह से यहाँ परिक्रमा पथ भी बना हुआ है, और ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। अभी बहुत कुछ बनना यहाँ पे बचा है, मेन एंट्रेंस है। और ये सामने जो देखना है ये रहसु भगत है, और ये जो सामने है ये इनके बाघ हैं। इसकी कहानी अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आप एक बार पहले मंदिर देख लें। और ये आप इधर बाघ देख रहे होंगे, बाघ के गले में सांप लपेटा हुआ है। तो ये जो तस्वीर आपके सामने है
ये है रहसु भगत की। तो ये तस्वीर रहसु भगत की है। तो जब अकाल पड़ा था उस दौरान खाने को जब कुछ नहीं था तो रहसु भगत क्या करते थे, दिन में घास काटते थे, और घास काटते थे तो रात में उससे अनाज निकल जाता था, रात में उससे अपने आप अनाज निकल जाता था, और उसी अनाज को उनके आसपास के जो लोग थे वो खाते थे और ज़िंदा रहते थे। राजा मनन सिंह खुद को बहुत बड़ा भक्त मानते थे, अपने आगे किसी को भी देवी का भक्त नहीं मानते थे, और जब रहसु की ये बात सुनी तो मनन सिंह ने कहा कि तुम साबित करो कि तुम बड़े भक्त हो। तो रहसु ने कहा कि मैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा भक्त हूँ। फिर भी मनन सिंह नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम देवी को बुलाओ, देवी का आवाहन करो, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। रहसु भगत ने बहुत मना किया, इनका कहना था कि अगर देवी आएंगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं यहाँ पे बचेगा। पर रहसु भगत नहीं माने और उनके जिद करने पर रहसु भगत ने माता का आवाहन किया और माँ कामाख्या से चली। कामाख्या से चल के वो कोलकाता पहुंची जहां दक्षिणेश्वर काली के रूप में स्थापित हैं। फिर भी रहसु भगत ने कहा कि माँ अब कोलकाता पहुंच चुकी, अभी भी मौका है, आप रोक लीजिए। पर मनन सिंह नहीं माने, वहां से माता आई और पटन देवी चली आई। पटन देवी जो पटना में पटन देवी है वहां चली आई। फिर रहसु भगत ने कहा अब भी मौका है, अब भी रोक लीजिए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर भी मनन सिंह नहीं माने। उसके बाद वहां से आगे माँ आमी आई। आमी छपड़ा में पड़ता है, वहाँ भी बहुत प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है। लास्ट में वहाँ भी रहसु भगत ने समझाया, पर जब राजा मनन सिंह नहीं माने वहाँ से सीधा देवी माँ प्रकट हुई और रहसु भगत का सर आप देख रहे हो, फोटो तस्वीर देखा होगा जिसमें सर से ऊपर हाथ निकला हुआ है, बस देवी माँ सर को फाड़ते हुए अपने हाथ कंगन सहित हाथ को बाहर निकाल के दर्शन दिया। और जैसे ही ये दर्शन हुआ, रहसु भगत के जितने भी महल थे, रहसु भगत स्वयं, उसके जितने रिलेटिव थे जो आसपास का, रहसु भगत नहीं मनन सिंह का, मनन सिंह चूंकि वहाँ के राजा थे तो मनन सिंह की जो भी हवेली थी, जो उनके रिलेटिव थे, खुद मनन सिंह, रहसु भगत भी, आसपास के सभी गांव और सभी जो भी चीज़ें थी सब खंडहर में देखते देखते तब्दील हो गई, जिसके बारे में रहसु भगत ने पहले बताया था पर मनन सिंह सुने नहीं, और सब कुछ खंडहर में बदल गया। इनका जो बिल्डिंग भवन है उनका भी आप अवशेष देख सकते हैं, उसके आसपास में खंडहर जैसा है। तो इस तरह से ये कहानी है थावे माँ की और रहसु भगत की, कि कैसे वो यहाँ पे आई। और अब यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं, अमर रहसु भगत से आगे निकल गए, सामने में एक कुआं है, कहा जाता है ये कि राजा मनन सिंह का कुआं है। ये सारा जो एरिया देख रहे हैं ये सब पहले राजा मनन सिंह के राज दरबार का हिस्सा था। कुआं की गहराई काफ़ी ज़्यादा है वैसे बताई जाती है, बट कुआं में पानी दिख नहीं रहा है, देखने की कोशिश की गई नहीं दिख रहा है, गहराई काफ़ी ज़्यादा है। और ये वो कुआं है जिसका यूज़ राजा किया करते थे, इसको मनोकामना कुआं भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे जो लोग मन्नत मांग के धागा बांधते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये आप देख रहे हैं यही वो कुआं है जहां पे धागा बांधने से मनोकामना कुआं नाम ही डाला हुआ है इसका। अब जब थोड़ा सा आप आगे जाएंगे यहां से तो बहुत सारे छोटे छोटे मठ जैसा दिखेगा, इस तरह से छोटी छोटी समाधियां भी बनी हुई है। जंगली बाबा इनका नाम है। और इस तरह की जो छोटी छोटी और भी इसके बगल में भी समाधि बनी हुई है, ये लोग यहाँ पे तपस्या किया करते थे।
और ये जो कुआं यही, जो तालाब यही तालाब है, राजा मनन सिंह का तालाब, हमारी रानी का तालाब है। वहाँ कुआं देखना, राजा का देखा, ये रानी का तालाब है। कहा जाता है कि रानियां यहाँ पे नहाया करती थी। गाड़ी में है ये ना।